कह रहे थे हमारे जो योद्धा हैं, योद्धाओं का तो मैं कम से कम हाथ जोड़ के धन्यवाद करूं। मैंने कहा था कि वोट मांगने हाथ जोड़ के, तो धन्यवाद भी मैं हाथ जोड़ के सर झुका के। आप सही, समय कम है, संसद सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम 9 के 9 हलकों में जाकर कम से कम, जैसा अभी इंद्र जी कह रहे थे हमारे जो योद्धा हैं, योद्धाओं का तो मैं कम से कम हाथ जोड़ के धन्यवाद करूं। मैंने कहा था कि वोट मांगने हाथ जोड़ के, तो धन्यवाद भी मैं हाथ जोड़ के सर झुका के आप सबका करूंगी, क्योंकि आपने सबने मन में ये ठानी कि भाई सैलजा का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव है। और यही कारण है कि ऐसे ऐसे गांव जिनमें हम कभी नहीं जीतते थे, ऐसे ऐसे साथी जिन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दी थी, हमारा कारवा बढ़ता गया है बढ़ने का। जब आगे अगले चुनाव में भी हमने हर सीट में नज़र रखनी है, और मैं पिछले उसमें भी कह रही थी कि सबको मेहनत करनी है, जो नीचे ज़मीन पे तो करोगे लेकिन सोशल मीडिया में भी मेहनत करनी है। ये काफ़ी भाजपा की आदत है उल्टा सीधा बोलने की, सोशल मीडिया में भी पूरा जवाब देना है, अपने जैसे वोटों से जवाब लिया है पूरा मजबूती से करना है आपने। और मेहनत करो, 90 में से 85 भी जीत सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे 85 भी जीत सकते हैं। ऐसी सरकार बनाए जिसको ना तो कोई डिस्टर्ब कर सके, ना कोई सेंध लगा सके, कोई शरारत ना कर सके। ऐसी सरकार बनाओ ताकि आगे आने वाला वक्त हरियाणा अपना हो, और मेहनत करें, लोगों को लगे कि भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा से नव निर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा पहली बार जीत दर्ज करने के बाद डवाली विधानसभा में पहुंची। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, धन्यवाद डवाली के नाम से ये कार्यक्रम रखा गया, जहां पर डवाली विधानसभा से जो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, मतदाता है, वो कुमारी सैलजा के सांसद सिरसा बनकर ऐतिहासिक जीत के उपरांत डवाली आगमन पर उनका जो हार्दिक स्वागत यहां पर किया गया है, और डवाली के एक निजी होटल में ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। और आप मंच पर भी इस वक्त की तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर डवाली से विधायक अमित सिहाग की बात की जाए, कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व यूनिवर्सिटी रहे डॉक्टर केवी सिंह की बात की जाए, और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं। और इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा कि पूरे सिरसा लोकसभा में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एकजुटता के साथ जो जिस कड़ी में जो कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया वो वाकई ही लाजवाब रहा। और शुरुआत में जरूर तमाम विरोधी नेताओं की तरफ से बात कही जा रही थी कि कांग्रेस अलग अलग खेमों में बंटी हुई है, SRK हुड्डा ग्रुप की बात, लेकिन चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तमाम नेताओं ने एक ही लीड रोल की तरह कुमारी सैलजा को लेकर जो चुनाव प्रचार प्रसार किया वो इतना प्रभावी रहा कि तमाम जो पार्टियों की जो चाल थी वो सीधी नहीं चल पाई, और कुमारी सैलजा ने अपने जो मुकाबले में पूर्ण तरीके से जो अपना दबदबा बनाते हुए तीसरी बार संसद में पहुंचने का जो रिकॉर्ड कायम किया। नमस्कार, तेज हरियाणा पर सीधी तस्वीरें हम आपको मंडी डवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर सिरसा से नव निर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा पहली बार जीत दर्ज करने के बाद मंडी डवाली में कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए एक कार्यकर्ता मतदाता सम्मेलन में पहुंची है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके साथ जो डवाली से विधायक अमित सिहाग और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो डवाली शहर और तमाम पूरे हलके के मतदाताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, जो पहली बार जो कुमारी सैलजा के डवाली आगमन पर यहां पर जोरदार अभिनंदन किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता जन हैं, वो फूल मालाओं के साथ पुष्प वर्षा करके कुमारी सैलजा का यहां पहुंचने पर जो आभार प्रकट कर रहे हैं। आपको याद दिलवा दें कि सिरसा में इस बार सबसे बड़ी ऐतिहासिक 268,000 मतों से पूरे सिरसा हरियाणा में एक बहुत शानदार जो जीत है वो अपने इस मुकाबले में कुमारी सैलजा ने दर्ज की थी। और जहां तक डवाली विधानसभा की बात करें तो डवाली से भी कुमारी सैलजा ने करीब 34,000 से भी ज़्यादा मतों से लीड के साथ उन्होंने
जीत दर्ज है वो डबाली विधानसभा में की थे। तो आज अपने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए जो कुमारी सैलजा है वो डबाली में पहुंचे, और हम आपको बड़ी संख्या में कैमरामैन दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में जो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता डबाली हल्के विधानसभा से जो लोग हैं उनके यहाँ पर स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पहली मर्तबा नव निर्वाचित जो सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा है वो डबाली विधानसभा में पहुँची। इससे पहले कालावाली में उनका जो भव्य स्वागत किया गया, उसके बाद वो डबाली में पहुँची है। और इस बार जो बीजेपी के जो अशोक तंवर को उन्होंने करारी शिकस्त है वो इस लोकसभा चुनाव में देते हुए तीसरी बार सिरसा लोकसभा से उन्होंने जो सांसद बनने का खिताब अपने नाम किया था। आपको याद होगा कि उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह भी चार मर्तबा सिरसा लोकसभा से एमपी चुने गए, और उनके बाद दो मर्तबा सिरसा से कुमारी सैलजा फिर एमपी रही, और अब तीसरी बार यानी कि इस परिवार के नाम सातवीं बार जो सांसद बनने का रिकॉर्ड है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नव निर्वाचित जो सांसद सिरसा से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और हरियाणा का एक सबसे बड़ा चेहरा, और स्टेज पर इस वक्त कुमारी सैलजा पहुंच रही है। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो पुष्प प्रसाद के साथ उनका जो स्वागत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो एक ही लाइन में कुमारी सैलजा सांसद सिरसा से उनका डवाली में पहुँचने पर अभिनंदन, उनका जो स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मलकीत सिंह गंगा की चाहे बात की जाए, चाहे संजय हिटलर की बात की जाए, उनके बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह, पवन सिंह बैनीवाल और कृष्णा फोगाट, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर उनके स्वागत में पहुंचे हैं। साथियों, जब हम वैसे मेरी आदत नहीं है आकलन करने की, लोग पूछते थे, मीडिया वाले पूछते थे कि आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतोगे, तो मैं क्या भाई भगवान की कृपा, लोगों का आशीर्वाद, इससे ज्यादा क्या चाहिए, और हमारे वर्करों की मेहनत पसीना। अब जब गिनती शुरू हुई डॉक्टर साहब तो अंदर बैठे थे, लेकिन अमित जी ने, अमित ने मुझे कहा कि 35,000 हमारा रहेगा, और उतना ही रहा। साथियों, ये कम नहीं होता, इतना ज्यादा आप लोगों ने हमारी थोड़ी पीछे इतने ज्यादा आपने हमारी क्या, यू नो, आप लोगों की है, अपनी झोली भरी है, झोली भर दी, ओवरफ्लो हो रही है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी मेहनत, इतना पसीना, गर्मी में टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, हमको लग रहा था कि अब मामला ठंडा ना पड़ जाए, थोड़े गर्मी में लोग कम निकलते हैं, लेकिन क्या बताएं, जिस दिन प्रियंका जी आई उस दिन तो टेम्परेचर लोगों का भी बढ़ रहा था, ऐसा जोश देखा। और प्रियंका जी ने भी कहा कि इतनी गर्मी के बाद इतने लोग ऐसे कैसे चल रहे हैं नारे लगाते हुए, वो भी खुद इस बात की दाद दे रहे। तो ये आपका प्यार था, आपका जज्बा, आपका जोश था साथी, एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रति, और दूसरा जो ये 10 साल का अनुभव रहा सबका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, और एक बार नहीं दो बार बन गई, लेकिन 10 साल में हम अभी बात कर रहे थे जिसको इतना बहुमत मिले वो तो कुछ भी कर सकता है। देश की भलाई के लिए अगर कोई चाहे, भाई हमारी सरकार भी रही यूपीए की, लेकिन हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए थे, हमको मेजोरिटी नहीं मिली, हमारे गठबंधन करके हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी की रहनुमाई,
लेकिन जब अकेली एक पार्टी को इतना बहुमत मिल जाए तो वो तो देश में भलाई के लिए कुछ भी कर, लेकिन 10 साल निकल गए भलाई का कोई काम नहीं, कोई भलाई का काम नहीं, गरीब और गरीब हो गया, किसान मजबूर जैसे। और अभी हमें दुख तो होता है कि ये अभी नहीं सीखे हैं, सरकार बनने के बाद ना युवाओं के रोजगार की कोई बात की, हाँ किसानों की, और किसानों की भी क्या की, ये भी एक मजाक की बात है। किसानों के लिए सरकार की पॉलिसी थी कि साल में 6,000 रुपया देंगे, 2,000 की किस्तें देंगे, ये सरकार की पॉलिसी थी। और जब मोदी जी अब बने प्रधानमंत्री तो बड़ा बहुत प्रोपेगेंडा किया कि मोदी जी ने सबसे पहले किसानों का ख्याल रखा है, किसानों के लिए इतने करोड़ रुपए फाइल सबसे पहले साइन की, तो कोई पूछे तो ये तो वही पैसे थे जो आपको वैसे भी मिलने थे, और प्रधानमंत्री कब साइन किया करता था ऐसी फाइल में, ये तो वैसे ही आपको मिलने हैं, दिखावा अभी भी दिखावा। हम तो तब मानते जब प्रधानमंत्री बनके सबसे पहले वो कहते कि किसान को हम एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे तो हम मानते कि वो किसानों के हितैषी बन गए, कुछ सीख लिया, लेकिन कुछ नहीं सीखा ना। अपनी हार से हार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये नैतिकता के रूप में इनकी हार हुई है। 400 पार, 370 पार, बातें तो बहुत की, 250 भी नहीं ले पाए। और जब हम टीवी पे देख रहे थे सारे बैठे, तो 3 घंटे तो उनकी भी सांस सूख रही होगी, सांस सूखी होगी कि कहीं प्रधानमंत्री ना हार जाए। हमारे अजय राय ने ऐसी टक्कर दी, ऐसी मार दी वहां के लोगों ने, वाराणसी के लोगों ने, कि पहले पीछे होते गए, लेकिन बाद में जहां लोग लाखों में जीते हैं, और भाई हम सरसा में 3.5 के करीब जीते हैं, प्रधानमंत्री तो 1.5 लाख में जीते हैं। मैं अपने से तुलना नहीं कर रही, तुलना में बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन जब अपने नतीजे आए और बाहर में निकली तो मेरे साथियों ने कहा, बहन जी आप तो प्रधानमंत्री से ज्यादा जीते हो, वो तो 1.5 लाख से जीता है, आप तो इतने से जीते। ये लोगों की खुशी, लोगों का प्यार, ये तो आप लोगों का दम था, आपका पसीना था गर्मी का। और मुझे लगता है कि इम्तिहान पूरा ले रहे थे, 45-48 डिग्री है देश में, सबसे ज्यादा कहीं हुआ तो वो अपने सरसा में हुआ, ये भी अखबार में आई, मीडिया में आई कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर सरसा में है देश में। लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की, देश को आप आगे ले जाना चाहते थे। और साथियों मेरी क्या बात, मैं तो आप में से एक, आप में से एक, और ये तो मेरा परिवार है, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। ये पारिवारिक रिश्ता एक दिन मैं कभी नहीं बन सकता, और ये लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में मुझे प्रदेश में भी कई जगह जाना है, बीच बीच में यहाँ भी आऊँगी, तो हर जगह हम जाएंगे और मेहनत करेंगे। कल परसों मैं पहले अम्बाला गई, अम्बाला के लोगों का मैंने पहले धन्यवाद किया कि देखो आपने मेरे को 20 साल, उन्होंने मेरे को झेला है 20 साल उनकी सेवा की, उनका मैं धन्यवाद करके आई अम्बाला लोकसभा का। और अब आप लोगों के बीच में, अब आपके बीच में तो रहना ही है, चाहे देर सवेर जब कभी भी रहना, यही है मैंने, और काम आपके करने हैं सेवा। हर देखो नरवाना से लेके अब यहाँ बैठे होते, नरवाना वालों को तो पता ही नहीं कि मैं हल्के में हूँ, हर जगह नहीं पर जहाँ सारे मेरे प्रिय हैं, सबने देखो मेहनत की है, तो हर जगह जाएंगे और पूरा जाएंगे और कसर छोड़ेंगे नहीं, जितना हो सकता है हम पूरा करेंगे। टाइम है, मेहनत करो, आगे बढ़ना है, और हमारा देखो वजूद तभी बनेगा जब आगे अगले चुनाव में भी हमने हर सीट पे नजर रखनी है। और मैं पिछले उसमें भी कह रही हूँ कि सबको मेहनत करनी है, जो नीचे जमीन पे तो करोगे लेकिन सोशल मीडिया में भी मेहनत करनी है,
ये काफी भाजपा की आदत है उल्टा सीधा बोलने की। सोशल मीडिया में भी पूरा जवाब देना है, अपने जैसे वोटों से जवाब दिया है, पूरा मजबूती से करना है आपने। और मेहनत करो, 90 में से 85 भी जीत सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे 85 भी जीत सकते हैं। ऐसी सरकार बनाए जिसको ना तो कोई डिस्टर्ब कर सके, ना कोई सेंध लगा सके, कोई शरारत ना कर सके। ऐसी सरकार बनाओ ताकि आगे आने वाला वक्त हरियाणा अपना हो और मेहनत करें, लोगों को लगे कि भाई ऐसी सरकार होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। पिछले कुछ सालों में ऐसा ही रहा, 10 साल तो बिल्कुल ही बेकार गए, सारे रो रहे हैं। अब मैं क्या क्या बात करूँ, ज़्यादा नहीं, लोगों से मिलने का ज़्यादा करेंगे और गाँवों में जहाँ नहीं जा पाए वहाँ पर कोशिश होगी कि पहले वहाँ चलें। और सबका धन्यवाद मैं करूँगी, धन्यवाद हमारा चलता रहेगा, आप सबका है। और जो हमारे बाहर से भी कोऑर्डिनेटर्स आए, सबने मेहनत की, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पसीने